हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि मैं दोपहर के 2 बज चुके हैं और ब्लॉग 2 बजे शुरू हो रहा है। चीना और मैं जा रहे हैं चांदनी चौक। आपको पता ही है कि पूजा की एंगेजमेंट की तैयारी चल रही है, यानी कि रोके की डेट भी फिक्स हो गई है। गाइज, मैं अगले ब्लॉग में आपको रोके की डेट भी बताऊंगी। तो चीना और मैं जा रहे हैं चांदनी चौक। चीना, आपको पता है जब भी कोई फंक्शन होता है सबसे पहले रिक्वायरमेंट आके खड़ी होती है, कपड़े क्या पहनेंगे, कपड़े क्या पहनेंगे। और बस अब कपड़े के लिए मैं और चीना जा रहे हैं चांदनी चौक। तो मैंने चीना को बोला है कि तू क्या लेना चाहती है। अब देखो, वहां जाके सूट तो पहनेंगे नहीं, बच्चे पहनेंगे, वेस्टर्न ड्रेस ही कोई पहनेंगे, तो कोई ना कोई हम लेने जा रहे हैं। तो मैं और चीना जा रहे हैं चांदनी चौक, आपको मिलते हैं वहां। तो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ। शायद मैं बहुत टाइम बाद ऐसा रेडी होकर ब्लॉग में आ रही हूँ ना। बहुत ही, जब से चाचू की डेथ हुई थी उसके बाद तो शायद मैं ब्लॉग में आई ही नहीं ना। असल में तैयार होने का दिल भी नहीं। हाँ, और बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, अब माड़ा मोटा सा होना पड़ता है। हाँ, तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और मम्मा भी रेडी हो चुकी है, तो हम निकल चुके हैं। बस ये देखो गाइस, हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी होती है। यहाँ खड़ी करता है, मेरी गाड़ी तो पार्किंग में होती है क्योंकि वहाँ जगह ही नहीं होती है कि बिल्कुल भी मैं यहाँ पे कहीं पार्क कर सकूँ। देखो, ये इनकी सबकी गाड़ियाँ अपनी अपनी होती है और गली तो हमारी है ही छोटी, तो मेरी पार्किंग में होती है। आपको एक बात बताती हूँ, कन्नू को इतनी गाड़ी की चिंता रहती है, इतनी गाड़ी की, उस दिन इसकी गाड़ी में जरा सा मिट्टी पेंट लग गया, पेंट लग गया। ये लड़का 2 घंटे पेंट छुड़ाता रहता है और इतने पसीनेदार था ना जब घर आया वो। तो गाइस, हम चलते हैं। बस मौसम भी ठीक है, जब आज मौसम सही है। पर अभी थोड़ी देर पहले जब मैं बाहर निकली थी तो बहुत धूप हो रही थी। नहीं, मेट्रो पे जा रहे हैं गाइस हम, पहले पकड़ेंगे रिक्शा। वही पानी आया, पानी ऊपर से किसी ने सफाई कर रहे हैं, कोई टैंकी भर गई, टैंकी भर गई, किसी की टैंकी भर गई, आंटी टैंकी भर गई। तो गाइस चलो, ओके बाय। तो जब तक हम यहाँ हमेशा आते हैं, हर बार हमें कोई ना कोई बंदर दिखता ही दिखता है। तो आज कोई बंदर नहीं, धूप है ना। अरे, आज वैसे भी सारी जगह सफाई हो रही है, ये सारे हट रहे हैं तो शायद इस वजह से नहीं आए। जाओ जाओ भैया जाओ। तो बस हम पहुँच गए हैं, अब सामान लेना मम्मा का, वो लेके फिर हम निकल के आते सीधे, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ भी वीडियो अलाउड, फोटो कुछ भी नहीं अलाउड। बहुत गर्मी लग रही है, पहले घर से निकले थे मौसम सही था। अब फिर धूप निकल, पता क्या हो रहा है, बार बार छाओ धूप छाओ धूप। चलो चलते हैं, आओ। चप्पल उतारनी पड़ी भैया, आ रहे मम्मी कुछ समझ नहीं। कोई गाउन, कोई लहंगा, इस टाइप के बस जैसे ही मैं घर आई हूँ, ये लोग बड़े खुश हो जाते हैं मुझे देख के, बेचारे अकेले हो जाते हैं कि आओ आओ कर रही है, देखो आओ कर रही है कि मेरी माँ आ गई है, उसको देखो, वो भी ये बेचारे अकेले हो जाते हैं। जैसे मैं आती हूँ दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, है ना पूछी। मम्मा को देख के बहुत खुश हो जाती है, आती मैंने इसको स्टिक दी है सबसे पहले, और ये अपना अब खुश हो गए हैं कि हमारी माँ हमारे घर आ गई है। क्या बात है, तूने आते चाय बना ली है? वहाँ चाय नहीं पी? नहीं, वहाँ कहाँ चाय पीनी थी। क्यों? हम गए हैं और चीना और मैं, वहाँ नटराज भल्ले वाला नहीं है। नटराज भल्ले वाले से मैंने भल्ले की एक प्लेट ले ली। अच्छा, चीना भल्ले खाती नहीं है तो चीना ने उसकी ले ली, ये टिक्की की। अच्छा, हाँ टिक्की बनाता है। हाँ टिक्की की। तो इतना रश, इतना रश, मैं कहती हूँ आस पास सारे भरे पड़े हैं, बंदा बहुत रश होता है। रश तो है करोड़। भल्ले लेके हम कोने पे टिक्की और भल्ले, क्योंकि टिक्की का धुआं बड़ा उड़ता है। आपको पता है रस्ते से निकलो कितना धुआं धुआं होता है। सबसे ज्यादा जो गली है वही चलती है, सबसे ज्यादा गली वही चलती है, रश बड़ा होता है। तो उसने खाई टिक्की एक प्लेट, मैंने खाए भल्ले, और उसने वो ले लिया नींबू पानी। अच्छा अच्छा, मैंने कुछ नहीं लिया। तो इससे बड़ी वहाँ चली जाती पराठे वाली गली, पराठे वाला खा के खा लेती। अरे गर्मी इतनी है, तला तला खाने का क्या, पहले वो खा चुके हैं फिर आगे जाए खाने के लिए पराठे, नहीं गए। बाकी स्कूट साइड देखने गए थे और कुछ भी पसंद नहीं आया चीना को, ना मुझे कुछ पसंद आया। और हमने कहा चलो ब्लॉग बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, वो सीधा ही मना कर देते हैं कि अगर आपने कोई सामान लेना है तो उसका ब्लॉग बनेगा, आप पहले बिल बनवा लो। पहले बिल बनवाओ। हाँ, बिल बनवाओ, यानी कि आपने ले लिया। अच्छा, अगर आपको नहीं पसंद आया तो हमारी यहाँ की कोई भी फोटो नहीं खींच सकते, मतलब सबने कोई भी खींच नहीं। अच्छा, मेरे को कोई कोई पहनना नहीं है, कुछ नहीं करना, सीधा डायरेक्ट पैस को। नहीं नहीं, पहन के दे सकते हो। अच्छा, मना नहीं है। हाँ, जो मर्जी करो, मतलब फोटो नहीं ले सकते, फोटो क्लिक नहीं कर सकते, बिल्कुल मना कर रखा है फोटो। क्योंकि क्या होता है, वो क्या करते हैं लोग, हम जैसे फोटो खींच लेते हैं, कुछ करते हैं, आके कपड़ा लेके हम अपने कारीगर से, अपने वो दर्जी से बनवा लेते हैं, सेम डिजाइन हो जाएगा, सेम डिजाइन हो जाएगा, अपना डिजाइन। कहते हैं नहीं, आप कहते हैं ले लो बिल बनवा लो, उसके बाद 10 फोटो खींचो।
अच्छा अपना डीएन नहीं देते को कुछ पसंद नहीं आया तूने ये बोला था ना उनको कि मैं डालती हूँ इसकी पिक लेके पे अपनी सिस्टर को दिखाती हूँ किसी को दिखाती हूँ तो पसंद करेंगे नहीं सुनते नहीं बहुत बड़ी होलसेलर है अब मैंने अपने लिए बनाई है चाय और साथ में भूख लगी थी टिक्की खाई हुई है अच्छा साथ में नमकीन नमकीन खा ली है गुजराती नमकीन हाँ तो मैं ये खा रही हूँ अच्छा तो बस घर आ गए बस आई हूँ अभी देखो 9:30 बजने वाली है टाइम तो वहाँ 9:30 बजने वाली है उसके बाद देखते हैं कि क्या बनाते हैं मैं सोच रही हूँ टमाटर प्याज का मसाला बना ले ऐसे कर ले स्वाद लगता है ना वही बना ले ऐसे कर ले हाँ तो हाय गाइस आज फाइनली मैंने एक अपनी वॉच ऑर्डर करी थी टाटा क्लिक लग्जरी से तो मैंने मतलब बहुत टाइम पहले गई थी और ये अब आई है पहले एक डब्बा आया अब इस डब्बे के अंदर भी डब्बा है पैकिंग बड़ी जबरदस्त है और गाइस सीरियसली ये ट्रस्टेड ऐप है इससे आप कभी मंगवाओगे तो कभी कुछ नहीं होता एक बार पहले मैंने इसके लिए घड़ी मंगाई थी गाइस तो उसमें से घड़ी निकली थी आज जैसे ही मैंने मंगाई पहले मैंने सारा डिब्बा खुलवाया भाई से मैंने कहा भैया पहले मुझे दिखा पैसे दो मैं कहा पैसे बाद में दोगी पहले भाई मुझे दिखा दे अंदर 6,000 ले गए और हमने जब खोला तो डिब्बे के अंदर एप्पल या ईट पता नहीं क्या था नहीं वो कवर था खाली कुछ था 6,000 की थी ना 6,000 रुपए की घड़ी का हमारा चूना लग गया था उस टाइम क्या हुआ था मतलब बहुत छोटी बात तो इतने होते नहीं थे ये वो तो मैंने बड़ी मिन्नतें करी थी इनके आगे दिला दो है ना अम्मी तो पापा ने कहा चल कोई बात नहीं ले ले और आई मैंने कहा यार ये तो बड़ी बैंक फिर लेकिन पापा ने पता मेरे को फिर भी दूसरी वॉच ले दी थी थोड़ा टाइम बाद क्योंकि अब वो क्या करते बच्चे का तो मूड ही खराब इसका मैं रिस्क नहीं ले सकती थी भाई ये देखो डब्बे के अंदर डब्बा गाइस बड़ा डब्बा फिर ये डब्बा मैंने सारा खुलवाया कहता पैसे लेके आओ मैंने कहा भैया पैसे तू पहले ले ले मुझे दुख नहीं पहले मुझे घड़ी दिखा ये देखो फिर घड़ी देखी फिर मुझे तसल्ली आई कि वाकई घड़ी है ये देखो गाइस ये इसके ऊपर था हाँ ये थोड़ा साइड कर देते हैं और ये क्या दी हूँ मैं ये नहीं समझ आया मम्मा जैसे कई बार हम खाने वाने में होते हैं ना कि थोड़ा कुछ होता है अंदर हाँ ये वही है मुझे नहीं पता क्या है खाने में खुद आपको पता नहीं कभी वो पॉलिथीन से नहीं होते अंदर जो बोलते हैं वो जहर वहर वाले पता नहीं ना छोड़ो ना देखो गाइस ये घड़ी है ये अभी ऐसी रोज गोल्ड कलर की है ये है एमके की जनरेशन 6 डिजिटल वॉच है और इसका पूरा ब्लैक डायल रहता है मैं अभी इसको ऑन करूंगी ऑन करके भी जरूर दिखाऊंगी क्योंकि अभी तो ऑफ है ये रहा इसका चार्जर ये मेरी आई वॉच का और इसका चार्जर सेम हो जाएगा और गाइस कभी आपको ये अच्छी घड़ी लगे चीना आपको दिखाएगी ऑन करके सीरियसली बहुत अच्छी घड़ी है अगर इसका प्राइस है 25,995 रुपए का कोई बात नहीं 26,000 रुपए वो मुझसे लेके गया है मैं डर के दिए कि घड़ी है या नहीं है गाइस अगर आपको पसंद आए तो आप भी मैंने मम्मी के पास ये मेरे साथ उस दिन मॉल में लेने गई थी तो मॉल में इसको मिली नहीं थी गोल्डन मिली थी सिल्वर मिली थी मगर ये है रोज गोल्ड इसको रोज गोल्ड चाहिए थी तो इसने ऑनलाइन मंगाई है ये तो मम्मा लूज है मेरे को कोई बात नहीं इसको टाइट करा दी पता है चांदनी चौक जाने का मजा तब है जब बहुत ज्यादा सामान लेना हो जैसे लोग जाते हैं शादी की शॉपिंग करते हैं 5-5 10-10 20-20 जोड़े लाते हैं आपको याद है एक बारी अरुण साड़ी वाला जब हम गए थे एक बारी कितनी सारी कच्ची साड़ियां लाए थे कम से कम 25-30 साड़ियां लाए थे याद नहीं जब हमारे यहाँ फंक्शन था हमने साड़ियां ली थी तो फायदा है अगर हम चांदनी चौक जाते हैं एक आधी एक चीना को लेनी है एक मुझे पहली बात तो अच्छे से अटेंड ही नहीं करते हम लोगों को उन्हें पता होता है कि ये रिटेलर है मतलब ये होलसेलर नहीं है जो कि दुकानदार नहीं है ये अपने लिए एक एक लेने आया ये करेंगे हमारा टाइम वेस्ट क्योंकि दुकानदार होता है उसको तो फटाफट एक सूट देखा उसके साथ के कलर लिए 10 खत्म एक लहंगा लिया कलर लिए खत्म उसको ये होता है हमें ये होता है ये दिखा दो वो दिखा दो एक तो पहली बात हमें अच्छे से अटेंड नहीं करते वो लोग चलो अटेंड कर भी लेते हैं तो वो ध्यान ही नहीं देते हमारे तक उनको पता है एक एक लेंगे इनके घर एक एक फंक्शन है और पैसे भी एक के हिसाब से वो उस हिसाब से मतलब वो रिटेल के हिसाब से हमें देते हैं होलसेल के हिसाब से नहीं देते हैं तो बेकार है हमारा टाइम वेस्ट हुआ बस वही कहावत हो गई खोदा पहाड़ निकली चूहिया बस हमारे साथ वही हुआ है कि हम बेकार गए हैं बिल्कुल बेकार चक्कर गए अब मैं यही सोच रही हूँ कि जब कंचन के वहाँ पर जो दुकान है नंदा वाली वही से एक एक जोड़ा लोगों को दिक्कत नहीं होती कोई बात नहीं होती ढंग से दिखाते हैं ढंग से करते हैं तो क्या हो गया इतना बड़ा शोरूम है मैंने कितनी सामान गोलू की शादी का भी लहंगा लिया है और मैंने अभी वो क्या क्या था कंचन के घर साई संध्या थी तो मैंने ड्रेस ली थी अब मैं सोच रही हूँ वहीं से ड्रेस ले लूंगी नहीं तो देखती हूँ क्या करती हूँ मैं तो अब चांदनी चौक जाने से रही दोबारा बहुत रश है एक्चुअली क्या है अरुण साड़ी वाला
वो देता है बिल्कुल होलसेल, जो होलसेल आते हैं ना औरतें, 100 साड़ियां 200 साड़ियां 250 लेंगे 30 लेंगे 20 लेंगे, वो ऐसे ऐसे देता है। ये देखो जो मैंने साईं संध्या पे ये साड़ी पहनी थी, ये वाली ये साड़ी, ये अरुण साड़ी सेंटर से ली हुई है। ये अरुण साड़ी सेंटर से ली, तब ये मेरे को आई थी 11,000 रुपए की, 11,000 की, बस एक बार पहनी है, पड़ी हुई है। वो 11,000 की कब आई थी, कितने साल पहले? 2000 चीना जब 16 साल की थी, चीना 25 साल की है, 9 साल पहले यानी लगा रहे उसका रेट होगा। यानी कि मैं ये कहना चाहती हूँ, सबसे यही कहूंगी कि जो लोग कहते हैं ना हम चांदनी चौक जा रहे हैं तो बिल्कुल बेकार है, एक चीज के लिए मत जाओ। अगर बहुत सारी चीजें लेनी है तो जाओ, ठीक है ना। अब मैं मिठाई भी लेके आई हूँ अभी, मिठाई जो मैं घेवर लेके आई हूँ और वहाँ से लेके आई गोंदी के लड्डू। अच्छा, हाँ तो पहले मैं लगाऊंगी बाबा जी को, लड्डू गोपाल जी को भोग, फिर हम खाएंगे, तो अभी भोग लगाने जा रही हूँ मैं। यानी चाहे जो खाने पीने में बेस्ट है, खाने पीने के लिए सामान के लिए सही है, एक आधा सामान लेना हो तो बोरियत है, बस खाना पीना हो किसी ने पराठे वाली गली या ये वो वगैरह और बल्ले चल रही हो उसके लिए बेस्ट है। मतलब बल्ले खाओ, टिक्की खाओ, मेट्रो का किराया भरो और वहाँ पर अपना कोई दिखाता कुछ है नहीं, ये है खाने पीने के लिए बेस्ट है। काफी क्या आगे अपने पैसा वेस्ट करना था, हम करा टाइम वेस्ट। गाइस कभी भी आपको लेनी हो तो चारू मिठाई वाला, इसकी पूरी देसी घी की मिठाई है, आप उसकी दुकान के आगे से निकल जाओ, इतनी अच्छी खुशबू आती है, इतनी अच्छी आती है कि पता चलता है दूर से कि मिठाई है। इसमें तो घेवर है और इसमें है गोंद के लड्डू, बैग है सारे सील, सील है। ये देखो सील है, और ये देखो कोई थोड़ा सा फालतू होगा कम होगी ना, ये देखो अरे ये हाँ, वाली बर्फी डाल दिया। अरे वो ये चॉकलेट वाली बर्फी बहुत टेस्टी है, कम होगा ना लड्डू तो कम होता है पीस, तो एक तो एक ये डला हुआ है और एक ये डला हुआ है, दो पीस है। वो कम होंगे ना, ये भी लड्डू बहुत टेस्टी है। असल में क्या है, कन्नू बड़े शौक से उसका देसी का सामान है, होता है महंगा है तो महंगा महंगे की वजह से ना वो भी लड्डू तोड़ता नहीं है, कोई लड्डू नहीं तोड़ता ना, जो चीज कमी होती है वो डाल देते हैं। और आज हमारे साथ गाइस एक और भी बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, क्योंकि मैं असल में से सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती क्योंकि मेरी प्रॉब्लम है, तो मैं हमेशा उस पे चढ़ती हूँ एक्सीलेटर पे, तो एक्सीलेटर पे मैं और चीना आपस में बातें करते करते जा रहे थे, तो मेरा एकदम पैर एक्सीलेटर पे पड़ा ही नहीं, तो बस मैं गिरते गिरते बची हूँ, पीछे से चीना ने मुझे ऐसे पकड़ लिया। हाँ चीना बता रही थी राजीव चौक पे, हाँ चीना ने ऐसे पकड़ लिया, मैं गिरती गिरती बची हूँ। मेरे को याद है उस दिन सीमा ने मुझे कहा था कि हरिनगर में एक औरत थी एक्सीलेटर से गिर गई बेचारी, मुझे बचा लिया, शुक्र है भगवान का जो मैं आ गई घर पे वापसी आ गई है, तो आई नहीं कपड़े आए नहीं, तू आ गई है एक्सीलेटर से ध्यान से चढ़ना चाहिए, मैंने कहा मैं बच गई हूँ, तो बचने की खुशी में मैं आपको मिठाई दिया, मिठाई मिठाई नहीं कराते हैं, नहीं मैं नहीं होती तो कौन लाता, कौन लाता मिठाई, मैं हमेशा लेके आती हूँ जब भी जाती हूँ गाइस, हमेशा मिठाई लेके आती हूँ, और ये गोंद के लड्डू जरूर लाती हूँ क्योंकि मेरा कन्नू बड़े शौक से करता है। रहता है। ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और आगे आगे शेयर करो, ताकि हमारे जो ब्लॉग्स हैं काफी सारे लोग देख सकें, और अच्छे अच्छे कमेंट करो, और जो हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है उसको भी जाके फॉलो कर लो Tarun Basra 9, और फेसबुक पे जो हमारे ब्लॉग आते हैं फैमिली चैनल के नाम से उसको भी जाके, जिन्होंने फॉलो नहीं किया तो उसको भी फॉलो कर लो। मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।